कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं बना, रोटी खाई, सोचा 2:30 बज गए हैं, 3 बजे चलेंगे, थोड़ा एडिट कर लेते हैं। 2:30-3 बजे तक एडिट करने बैठा, भाई साहब कब नींद आई पता नहीं चला, लैपटॉप पर सोया पड़ा था। अभी 4:30 बज गए, अब मुझे लगता है कहीं जाने का कुछ बचा है। अभी जब निकल रहा वापस सोनीपत घर की तरफ, ये तो प्रिंस ही आया, बाकी कहाँ भाई? वो नीचे खेल रहे हैं। बुला लाना उनको, बच्चे तो नीचे खेलने गए हैं। अभी ये तो नीचे से लेके चलेंगे, नीचे से ले चलेंगे। हाँ ऊपर आएंगे तो नीचे आएंगे, रोएंगे वो। तो वैसे उनको नीचे बिठाएंगे और लेके जाएंगे, तो अगर यहाँ आगे तो चुंबक बन जाएंगे और चिपक जाएंगे और फिर खींचना भारी पड़ जाएंगे। कैसा रहा आपका 2 दिन का सफर? बहुत ठंड थी भाई, मैं शिमला शिमला छोड़ो, अब तो गुड़गांव की भी ठंड है। गुड़गांव की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। और नहीं तो शिमला क्या जाएंगे? अगली बार कहीं जाऊंगे तो इत्र साथ पैक करके ले जाऊंगे। नहीं है तो इनके घर पे भी, यहाँ पे हवा ठंडी चल रही है, पता क्या ठंड तो बाहर तो लगभग सेम ही माहौल है, बिल्डिंग और बिल्डिंग के अराउंड बहुत ठंडी हवा है, पानी बहुत ठंडी हवा के कारण पानी बहुत ठंडा हो रखा है। यहाँ पे तो गीजर भी पानी गर्म नहीं कर रहा है, ये बार गीजर में गर्म करके नहा लो और फिर चलो कोई बात नहीं। अगली बार गीजर भी लेके आना, तुम्हारी किस्मत खराब चल रही है, मैं तो आज गर्म से नहीं। सच्ची बता? हाँ मैं तो बहुत गर्म से नहीं, मजा आ गया। ना भाई साहब ना, मैं तो ठंडे से ना आज, फिर रात में निकलते निकलते बची इतना था कि टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा हल्का मान लो, कैसे बताऊं ये रहा। धन्यवाद। चाय बन गई मम्मी। आओ माता श्री चाय पिए, आओ जी चाय लो। आप मेरे पास एक दिन मौका आया, ये क्वालिटी भी अच्छी है, ये क्वालिटी भी बढ़िया है, आउट ऑफ द की प्रोवाइड जाती सर, कांड कांड से है, सामान तो खुद लिया है, सामान खुद के ले लिया। मेरे पास थे 2 क्रेडिट कार्ड, 1 बजाज फिनसर्व, मैम ने बोला कि क्रेडिट कार्ड बंद करो, तो मैंने क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए। अब वो जो बजाज फिनसर्व वाला मैं कहा नहीं बंद करो, तो मैंने बंद नहीं किया, कोई कहती कि बंद कर दे तो बंद कर देता मैं, ठीक है। अब उससे मैंने ले लिया लैपटॉप, अब कहते जब इनको शॉपिंग कर रही थी तब तुरंत कैसे कार्ड निकल गया था, कोई कार्ड नहीं, एक बजाज फिनसर्व का कार्ड था, वो भी मेरे ध्यान आ गया कि पड़ा है, तो उससे मैंने लैपटॉप ले लिया, तो उसकी भी दिक्कत हो रही सबको। अच्छा वो कब तक रहेगा आपका इंटरेस्ट? वो 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स में मैंने 6 मंथ्स वाला वो लिया था कि 6 महीने में लैपटॉप की किस्तें दूंगा 15,000 रुपए, और वो 83,000 कुछ क्लियर करनी है, बट मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा जो कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में देना। अच्छी बात है। हाँ प्लस में मैंने मैडम का GST यूज कर लिया, तो 60,000 का लैपटॉप पड़ गया, किसी के पेट पर तो क्यों दर्द हो रहा भाई। खुद शॉपिंग की नहीं जाती, मैं करता हूँ, मेरे को करने नहीं देते, खुद घूमा जाता जाया नहीं जाता, मैं कहता हूँ मैं घूमने जा रहा हूँ तो पेट में दर्द हो जाता है। अब ये 4 दिन से कह रहे हैं त्रिवेंद्रम जाना है, गोवा जाना है, टिकट तो आपने कैंसिल करवाए गोवा की और त्रिवेंद्रम की, हाँ शायद पौंडीचेरी की भी, पौंडीचेरी की और अंडमान निकोबार भी तो जाते हैं। जाना जोरा कहीं नहीं होता, बातें मार रही है सबने, यही त्रिवेंद्रम है, यही पौंडीचेरी है, इसी रूम के अंदर बैठे रहेंगे, मन करेगा बाहर थोड़ी जाओ, हाँ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत पॉल्यूशन, बहुत पॉल्यूशन है। चलो छोरे को विदा करके आओ, टिकट जनवरी में, जनवरी में जाना है, गोवा का भी कोई प्लान नहीं है, और जनवरी में देखो उससे पहले तो 4 बजे कड़े सो लेगा। चलो भाई छोरे को आशीर्वाद दो, छोरे को विदा करो, बाय बाय। वहाँ पे थे ना मधुबन सरकारी एक बंदा लगा हुआ था, मम्मी कहती है तो बहुत बस है, मैंने कहा तू साबुन दे तो ना आया है जरा बेचारा, मैंने कहा मुझे शर्म आएगी, सुनील कहते पूरी 4 पैकेट ला के दे उसको साबुन के गील से ना के वो सामने सामने धुली धुली है ना, पहचान में नहीं आ रही, पूछ रही गाड़ी का है। रसू पुम्बा यूवी तीनों यहाँ पार्क में खेल रहे थे, पता नहीं कहाँ गोबर में पैर मार के अब बास रहे तीनों के तीनों, प्लस में मिट्टी के अंदर हो गए, पता नहीं मिट्टी में खेलने का क्या शौक है, खेलना है खेल लो, भी मौसम नहीं है ना, प्लस में जाना था घर, बोला था बेटे गंदे नहीं होना, बट हो गए गंदे, बच्चों को आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ऊपर लेके गए हैं उनको, थोड़ा सा वॉश करके थोड़ा सा ड्राई क्लीन करके फिर लेके आए हैं, गाड़ी के अंदर स्मेल करके, वैसे भी गोबर के अंदर बैठा हुआ हूँ।
क्या हो गया बेटा? चले गई, मैं आ रही हूँ ताऊ जी को तो लेके आऊँ दूसरी गाड़ी में। हम फिर वापस कैसे आएंगे? कितना ही रख लो, उतना ही को तो लेके आऊँ। मेरे पास कपड़े वो जाना नहीं चाहती ताई जी को, बच्चों को छोड़ के बाय। अरे तो फिर हम वापस कैसे? वेरी सैड सिचुएशन। अरे तो अपने हॉस्पिटल चले जाएंगे इस गाड़ी को लेके। ओलू रोते नहीं बेटा, हंसो, आपको कोई दुख नहीं है? है पर रोने से अच्छा बैठ ही रहूं। सब मेरे को वीडियो पे देख रहे, दुनिया दुनिया। ओलिविया देखो, आपको भी दुनिया देख रही है। ऐसे नहीं रो दुनिया। आए बस बस लपकड़ा, चुप करा ले भाई। आज अजय भी आगे आज ताई जी ले आएंगे, नहीं ताई जी लेके आएंगे बेटा। बोल, मेरे को तो यही वाली चाहिए, यही सुंदर है। बस बस ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा कर रहा हूँ, बंद कर। 45,700 और हर आइटम पर। हेलो जी, हो टोल अक्रॉस। ये चीज बढ़िया कर दी इन्होंने, जो फास्ट टैग वाला सिस्टम लगा दिया ना। हम भी आखिरी हैं, सुधरेंगे नहीं। फास्ट टैग लगा कर नकते मैडम निकाल दो। हम भी ऐसे पर्ची दिखाते हैं और चलते हैं, हमारी पर्ची क्यों नहीं चल रही? ये मैं फास्ट टैग निकाल के रखा है। अब आप पूछेंगे कि फास्ट टैग निकाल क्यों क्यों रखा है? निकाल के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कुछ टोल ऐसे हैं जहाँ पे हमारे घर के आसपास है और हम टोल नहीं कटवाना चाहते हैं, वहाँ पे बिना मतलब टोल कटता है, तो इसलिए हमने फास्ट टैग निकाल के पॉकेट में रखा हुआ है। और ये जब वो जम जाती है ऐसे तो चलता नहीं है, फिर वो पीछे वाला हमें घूरता है और साइड में जो बैठा होता है बंदा वो भी हमें घूरता है। आगे काफ़ी होश जमा हुआ था तो काफ़ी सारे कमेंट आने वाले हैं कि अंदर से आपको होश जमा हुआ है तो आप इसके अंदर फ्रंट वाला एयर क्यों नहीं चलाते? मुझे फीचर पता है और कैसे उसको हटाना है वो भी बाद में, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने एसी चला के उसको फ्रंट को ऑन नहीं करा, हीटर पर ही उसको मैं चला रहा था। सिर्फ जो पेरिफेरी था उसको पर होश जमा हुआ था, बीच में क्लियर दिख रहा था। और कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बोलिए सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, मैम भी बहुत सुंदर लग रही है। ऐसे कमेंट्स को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आज डॉक्टर साहब को बोला था कि घुमा के ये लाएंगे, तो क्या ना रोज तो मैडम प्रोग्राम बताओ प्रोग्राम बताओ। आज सर को बोला सर आज है ना सुबह आप ही डिसाइड कर लेना कहाँ जाना है। पूरे दिन रजाई में लेटे लेटे निकाल दिया अगले ने कहा दिन, और मेरे टाइम पे नहीं, तूने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, तूने कहीं जाने का, मैं कहाँ से वर्ल्ड टूर करवा। अरे गलती हो गई, बेसिकली क्या मैं एडिट करने बैठ गया, एडिटिंग करके और इन्होंने ला के रजाई डाल दी ऊपर, थोड़ी देर में एडिटिंग भी रह गई, तो जो आज का भी ब्लॉग जो अब उससे पिछले वाला बनाया था वो अब तक पूरा एडिट नहीं हुआ था, जो इस वक्त तक एडिट नहीं हुआ, और वो पता नहीं कब डलेगा, पता नहीं क्योंकि तो घर नहीं पहुँचे, टाइम लगेगा घर पर। सो मैं मैडम से ऑफिशियली माफ़ी मांगता हूँ कि मैडम गलती हो गई। फिलहाल तो देखो ठंड हो गई बहुत ज़्यादा, मेरे को तो मन कर रहा है बस रात का खाना डॉक्टर साहब बना दे। और हाँ, खाने का क्या सीन करना, लेके आना है बनाना क्या सीन है? तो कैमरा में बोलूंगी तो सासू माँ कहेगी ले बहू से रोटी मिली मंडी जाके मेरे चोरे को बाहर से खाना खिला। एक आज कहते ब्रेकफास्ट का ना रिव्यू करके आएंगे, पता नहीं कौन से ढाबे पे जाके दूर से। मैंने कहा ढाबे तो अपने उधर ही इतने सारे हैं, उधर ही कहीं रिव्यू डाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है, उतने दूर तेल खर्च करके जाओ। तो ठीक है, अभी का क्या करना है? खाने का ठीक है, मुझे पता है थोड़ी देर में तुम ये कहने वाले हो दाल चावल बना, ये दाल चावल तो तू आधे घंटे में बना देगी, वही बना। हाँ ये दाल चावल मैडम बहुत जल्दी बनाती है और ऐसे ना मिनटों में, इनसे ज्यादा फास्ट खाना कोई नहीं बना सकता, मतलब नहीं बना सकता है कि चैलेंज, ओपन चैलेंज है भाई साहब। 15 मिनट में तो नई मैंने डिश, मतलब नई मैंने डिश तो जो इसको आती है वो 15 मिनट में बना देती है, 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लेती नहीं है। यार अपना घर अपना ही होता भाई हैं। अब देखो वो भी माँ बाप का ही घर है, मम्मी डैडी रहते हैं, भैया भी रहते हैं, बट जो उसको अपने घर में होता है ऐसा मजा कहीं नहीं है, एक शांति सी पड़ जाती है। आ हा 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 हा, नहीं 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 है ना, ये अपनी टेरिटरी है, है? हाँ अपनी टेरिटरी है, अपना इलाका है, इलाका इलाका तो कुत्तों का नहीं होता। नहीं वो कौन सा विषय का डायलॉग है, यहाँ मैंने मूत्र कहते हैं सुसु कर रखे मेरा मेरा इलाका है, तो ये अपना इलाका है। सो गाइस ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, दैट्स ऑल फॉर माय साइड, इस वीडियो को टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक एंड शेयर, बताइएगा कैसे लगे मेरे ब्लॉग्स, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बल्लू बेटा, बाय बाय, सब बच्चे थके हुए हैं, बाय बल्लू बेटा।
ओए आई लव यू।